हेलो दोस्तों, तो स्वागत है। एक मिनट, हाँ जो कि आप सीरियसली देख के चौंक जाओगे। तो चलिए यार, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन गाइस, उस सबसे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से जाओ वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें जानने के लिए। एंड इंस्टाग्राम पे भी अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड गाइस यार, एक और बात, MX टकाटक में मैंने एक नया अकाउंट बना दिया है, बहुत बढ़िया बात है जो। एंड आप साइड में देख ही पा रहे हैं कि मेरे 80 फॉलोअर्स हो भी चुके हैं 3 या फिर 2 डेज के अंदर। एंड आपने वहां पर भी अगर मेरे को फॉलो नहीं किया तो फटाफट से वहां पर भी जाके फॉलो कर दो यार। खैर, प्रमोशन की बात होगी, बढ़ते हैं अपने SRK के वीडियो की ओर। शाहरुख खान, दोस्तों शाहरुख खान का नाम आपने अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में जरूर सुना होगा। इनकी नेटवर्थ है $600 मिलियन, अगर इसे हम कन्वर्ट करें रुपीज में तो बनता है 4,500 करोड़ रुपए। एंड गाइस, एक और फैक्ट, अगर शाहरुख खान के कुल टोटल पैसे 100 लोग एक साथ गिने बैठकर तो उन्हें 350 डेज लग जाएंगे उनके पूरी पैसे गिनने के लिए। तो आप जान ही सकते हैं फिर कि शाहरुख खान की कितनी वैल्यू है एंड उनको किंग खान क्यों बोला जाता है इंडस्ट्री में। आइए बढ़ते हैं उनके कुछ एक्सपेंसिव। शाहरुख खान को तो आपने बहुत जगह मूवी में देखा होगा, वो एक मूवी का एस्टिमेटेड 60 से 70 करोड़ रुपीज चार्ज करते हैं। एंड अगर प्रॉफिट होता है उस मूवी का तो उस मूवी में भी उनको कुछ प्रॉफिट मिलता है, यानी कुछ हिस्सा मिलता है उन्हें। नंबर 1, प्राइवेट वैन। दोस्तों शाहरुख खान ने अपनी खुद की प्राइवेट वैन ले रखी है जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल होती है उनके लिए, क्योंकि मूवीज में आप लोगों को पता है मूवीज के अंदर यहाँ से वहाँ ट्रेवल करना होता है तो वो अपने प्राइवेट वैन से ट्रेवल करते हैं। उनकी प्राइवेट वैन की कॉस्ट है 35 करोड़ रुपीज, जो कि भाई बहुत ज्यादा है। एंड गाइस यार, मैं आपको बता दूं ये भी कि उनकी प्राइवेट वैन की कॉस्ट इसलिए इतना ज्यादा है क्योंकि उन्होंने उसके अंदर हर एक फैसिलिटीज एंड फीचर जो उनको चाहिए वह इंस्टॉल करा रखा है। नंबर 2, एक्सपेंसिव वॉच इन द वर्ल्ड। दोस्तों शाहरुख खान इतने बड़े व्यक्ति हैं तो उनके पास वॉच ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एंड वह जो वॉच पहनते हैं वो उसकी कीमत है 25 लाख रुपए। एंड यहाँ देखो, मैं जो वॉच पहन रहा हूँ 150 की वॉच। गरीब हूँ मैं, गरीब हूँ, गुजारा करना पड़ रहा है। वॉच का नाम है टैग हियर कैलिब्रे 17 एंड आप साइड में पिक्चर देख सकते हैं। नंबर 3, कार्स। दोस्तों शाहरुख खान के पास बहुत सारे एक्सपेंसिव एंड लग्जरियस कार्स है, तो चलिए आइए उनके कार्स में धीरे धीरे नजर डालते हैं। दोस्तों शाहरुख खान के पास एक बेंटीलिया, एक जॉन्टिनन। दोस्तों शाहरुख खान के पास एक बेंटीलिया कॉन्टिनेंटल GT है जिसकी प्राइस है 4 करोड़ रुपीज। एंड गाइस यार, उनके पास एक रोल्स रॉयल फैंटम भी है जिनकी प्राइस है 4 करोड़ रुपीज। दोस्तों शाहरुख खान के पास BMW 6 सीरीज, 7 सीरीज प्लस BMW i8 है। एंड गाइस यार, बात करें उनके आखिरी कार की तो उनकी आखिरी कार है बुगाटी वेरोन जिसकी प्राइस है 14 करोड़। नंबर 4, हाउस। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम शाहरुख खान के हाउस के बारे में, जो कि आप सुन के सच्ची लिटरली आप पागल होने वाले हो क्योंकि उनके पास 3 हाउसेज हैं। अब आप बोलोगे 3 हाउस तो चलो नॉर्मल होती है, मतलब एक ही जगह नहीं है, यानी इंडिया में ही नहीं है, अदर कंट्रीज में भी उन्होंने हाउस ले रखा है जैसे लंदन, दुबई है। दोस्तों SRK के पास एक हाउस है जिसका नाम है मन्नत एंड वह 6 स्टोरी बेस्ड है एंड आप साइड में पिक्चर देख सकते हैं। उसके अंदर जिम, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल, प्राइवेट ऑफिस जैसी सुविधा मौजूद है। एंड उसको बनाने के लिए शाहरुख खान को 200 करोड़ रुपीज का खर्च आया। शाहरुख खान के पास एक हाउस है जो कि दुबई में स्थित है, 14,000 स्क्वायर फीट के एरिया में फैला ये हाउस। इसके अंदर आपको बहुत सारी सुख सुविधाएं मिल जाएगी जैसे पूल, इंडिपेंडेंट बीच एरिया, 2 रिमोट कंट्रोल गैरेजेस एक्सेट्रा। एंड गाइस यार, इसे बनाने के लिए शाहरुख खान को 240 करोड़ रुपीज का खर्च आया था। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं शाहरुख खान के लंदन वाले हाउस के बारे में। तो उनके लंदन वाला हाउस वह उन्होंने बनाया था 2009 के अंदर एंड उनको ये बनाने के लिए 170 करोड़ रुपीज का खर्च आया। दोस्तों आज के लिए इतना ही, होप करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर देना एंड चैनल पे नहीं हो तो आपको बताइए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। एंड आपको और कौन सी ऐसी वीडियोस चाहिए रेगुलर तो गाइस यार वो भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। गुड बाय।